अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैंने 30 नंबर जो है रेवलॉन का कलर परचेज किया है। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम जो है 51 भी करके देख लिया, तो जो कलर है ना वो बड़ा ही लाइट है। 37 इवन मैंने लास्ट, अब मेरी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, मैंने रिजल्ट्स भी शेयर किए हुए, तो बहुत ही लाइट कलर आए हुए थे। तो अब मैंने 30 कलर मंगवाया है और इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने आपको हर वीडियो में मैंने दिखा दिया भाई, ये देखें। अब ये तकरीबन ना 500 का हो गया है, लास्ट टाइम ये 450 का था। तो वॉल्यूम और कलर डेवलपर वगैरह ये जो इसमें आते हैं, ये देख लो, ये ग्लव्स हैं, ये कंडीशनर है। और मैं अब जो है ना, मैं ग्रे कवरेज नहीं हो रही थी एक्चुअली, 51 से भी नहीं ग्रे कवरेज हुई है। तो लास्ट वीडियोस में मेरी आप सारे जाके चेक कर सकते हैं। अब मैंने 30 कलर मंगवाया है, 30 शेड। अब मैं इसको अप्लाई करूंगी और इसका रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये ग्रे कवरेज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, ये देख लें, 30 वॉल्यूम का रिजल्ट है और ये काफी डार्क हो गया है। मेरे जो पीछे के बाल है ना, वो मैंने 37 कलर किया हुआ था, और जो मैंने अब फ्रंट पे किए ना, आप मेरे फ्रंट पे देखें बाल, बिल्कुल ही टू ब्लैक कर दिए बहुत ज्यादा। 30 वॉल्यूम ने मुझे ब्लैक, मेरे जो फ्रंट के बाल है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक कर दिए। लुक आ रही है कि मैंने कोई तेज़ कलर का डाई लगाया है। जो ये मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगी जिनके बाल मेरी तरह चॉकलेट ब्राउन है ना, अगर आप ग्रे कवरेज के लिए ये 30 वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट इतना डार्क आ जाता है कि वो फिर आपको सूट नहीं करता। मैं इसका कलर चेंज करने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं आपसे इसका रिजल्ट शेयर कर लूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए हैं बाल, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा अपनी ग्रे कवरेज के लिए मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है। ये इधर वाले बाल, इधर वाले फ्रंट के बाल दिखाओ, ये देखो, ये देखिए, ये फ्रंट के बाल देखिए बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए। तो ग्रे कवरेज के, क्योंकि 37 से मेरी ग्रे कवरेज नहीं हुई थी, वैसे के वैसे बाल रह गए थे, लेकिन इसने बहुत ब्लैक कर दिया है। तो इंशाल्लाह मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।